आज यहाँ पे ऑल इंडिया से लड़के आर्मी के बच्चे आए हुए हैं जो कोविड में जिनका नुकसान हुआ है, जो आर्मी की भर्ती नहीं हुई, बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। और जो कोविड में दो साल तक आर्मी की भर्ती नहीं हुई उसी के कोविड में तो बहुत कुछ हुआ है, ये हो गए आपके क्या बोले इलेक्शन हो गए तो आर्मी रैली क्यों नहीं हो रही है? आर्मी की भर्ती के लिए सब कुछ हो रहा है लेकिन सिर्फ आर्मी को छूट सब हो रहा है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? कहना यही चाहेंगे जी, गवर्नमेंट जो है हमारा पेपर क्लियर करे, नई वैकेंसी निकाले और सबसे पहले एज में रिलैक्सेशन दे, जो हमारा यूथ ओवर एज हो गया है, क्योंकि आर्मी में जो एज क्राइटेरिया होता है वो सबसे मेन होता है। जब हमारा यूथ ही ओवर एज हो गया तो क्या करेगा देश, बताइए आप? इतने लड़के ओवर एज हो गए हैं, कई लड़कों ने फांसी भी खा ली है, कई लड़कों ने खुदकुशी कर ली, यूथ कैसे चलेगा? यूथ को मौका नहीं दोगे, डिमांड हमारी पूरी नहीं करोगे, वैकेंसी नहीं निकालो, कैसे चलेगा देश? देश यूथ से ही है, जो हमारी यूथ नई जनरेशन है उससे ही हमारा देश, ऐसे कैसे देश चलेगा? हमारी यही प्रमुख मांगे। तो आपकी पहली डिमांड है कि जो कोविड में दो साल भर्ती नहीं हुई उसको पहले करवा दें। कोविड में जो दो साल भर्ती नहीं आई है, जो नई भर्ती नहीं निकली है, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी ये दी जाए कि एज की रिलैक्सेशन दी जाए, जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, जो इतनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। और पहला डिमांड आपका ये है, दूसरा डिमांड रेगुलर वैकेंसी है। रेगुलर वैकेंसी है, जैसे पहले आती थी हर साल दो भर्ती, एक भर्ती जो भी थी आती थी वो कराई जाए, देन उसके बाद दो साल से जो पेपर होता है वो करवाया जाए, वो क्लियर हो। और तीसरा डिमांड आपका ट्रांसपेरेंसी वाला है कि जो भी वैकेंसी आए उसमें पारदर्शिता रखे, जो भी वैकेंसी आए पारदर्शी आए, उसमें बीच का वो ना हो, एक बार निष्पक्ष भर्ती आए। और सर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम के रेगुलर एग्जाम करवाए जाए, रेगुलर एग्जाम क्या भर्ती करवा दी, फिजिकल करवा दिया, मेडिकल करवा दिया, पर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। हमारे देश की सबसे बड़ी पावर है डिफेंस, अगर डिफेंस ही कम हो जाएगी ना तो देश की कोई भी पावर नहीं बचेगी, सबसे बड़ी पावर है देश की डिफेंस, और सबसे बड़ी पावर है थल सेना। और ये सरकार जो है, सरकार में क्या बोल रहा है, सरकार में इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन कोविड के टाइम पे इनके इलेक्शन हो रहे हैं, इनके आर्मी की रैली नहीं हो रही, इनके रिटर्न एग्जाम नहीं हो रहे इनके, बस इन्होंने यही इन पे बैन लगा रखा है। क्यों दो महीने बाद सर बोल रहे हैं कि दोबारा कोरोना आ गया, इन्होंने बैन इसलिए लगा रखा है, इन पे पावर है इसलिए इन्होंने बैन लगा रखा है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया से आज स्टूडेंट आए हुए हैं और अपनी बात को यहाँ पे रख रहे हैं सरकार के सामने। अगर सरकार इस वीडियो को देख रही हो, सुन रही हो, तो इनकी डिमांड के लिए विचार करें और इनका ये डिमांड जेन्युइन डिमांड है।